नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रेखा पाल। असम पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के मुद्दे पर गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां उन्होंने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि मुझे बर्बाद करने के लिए साजिश रची गई थी, वो मुझे साथ ले गए लेकिन कैसे किस बारे में कुछ बताया नहीं। मैं एक वकील भी हूँ लेकिन मेरे ऊपर कौन सी धारा लगाई गई इसकी मुझे जानकारी तक नहीं, यहां तक कि मेरे घर वालों से भी मुझे बात करने नहीं दी गई। गौड़से के कुछ भक्तों के द्वारा मुझ पर जो एफआईआर हुए उसके ऊपर मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। साथियों, सबसे पहला मेरा सवाल है कि गुजरात में पिछले 8-10 सालों के दौरान दो चार नहीं 22 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई जांच नहीं, कोई गिरफ्तारियां नहीं, एक दो नहीं 22 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। गुजरात में मुंद्रा के पोर्ट पर 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पाया गया, आई रिपीट, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 1,75,000 करोड़ है। उतना ड्रग्स पाया गया जिस मुंद्रा के पोर्ट पे, यदि आपके घर में 10 ग्राम भी ड्रग्स पकड़ा गया पत्रकार साथियों, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन गौतम अदानी साहब, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई जांच नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन के लिए एक बार भी नहीं बुलाया। गुजरात भाजपा की एक दलित समाज की महिला कार्यकर्ता ने भाजपा के सिटिंग मंत्री के खिलाफ लगातार बलात्कार करने का इल्जाम लगाया। दिस इज डिस्कस्ड इन द असेंबली ऑफ गुजरात। गुजरात की विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया, उस मामले में पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई जांच नहीं, कोई एफआईआर नहीं। मोदी जी, आप भी गुजरात से हैं, मैं भी गुजरात से हूं, आप भी समझ लीजिए, जैसा कि मेरे साथी ने कहा, फ्लावर नहीं फायर है, झुकेगा नहीं। इट्स माय चैलेंज। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए वाइब्रेंट लाइव न्यूज़, निर्भय सत्य जनता की आवाज।